चलो माइक लो बहन, पर माइक लो, कहाँ से आई हैं? रायपुर से। बोलो बागेश्वर धाम की, अब पत्रकार वाले देख लो, की सन्यासी बाबा की। अब जो जो उंगली उठाते थे कि गुरुजी मध्य प्रदेश के बुलाते, ये रायपुर के हैं और इनके पास में एक पर्चा है जिसमें ये अपनी परेशानियां लिखकर लाई हैं। ठीक से बैठ जाइए, ठीक से बैठिए। क्या आपने यहां बताया था कि हम रायपुर से हैं या हमारा नाम ये है? है? किसी ने पूछा आपसे? बोलो जी, नहीं, किसी ने नहीं पूछा है। ठीक है, वहां जाओ मीडिया वालों के पास। तिवारी जी, अब जो तुम पर आरोप लगाते थे इन तक पहुंचाओ, अपना कैमरा लेकर आओ, जाओ वहां। हाँ हमें मत दिखाना, केवल अपने कैमरे में इनका पर्चा दिखाइएगा। हमने इनका पर्चा, क्या आपने हमें पर्चा दिखाया? क्या आपने हमें पर्चा बताया? उनको दिखाइए उनके कैमरे पर, जो लगाते हैं कि हो सकता गुरुजी जानकारी लेते हो उनकी ठठरी। इनके पास में जो पर्चा है उसमें कमल का फूल बना होगा। और जो पर्चा है उसमें 5 प्रश्न कॉलम लिखे होंगे, 4 नंबर का प्रश्न गुदा होगा। है? हमने तो नहीं पर्चा देखा, हमने तो नहीं इन्हें कहा कि तुम, आपने तो नहीं यहां बताया कि हम पर्चा लेकर आ रहे या हम रायपुर के हैं या किसी को नाम। रोइए मत, गंभीर हो जाइए, उठाओ माइक। अब हमारे पास लिखे रखे हैं, बोलिए। बोलो। इनके प्रश्नों को बिलर करना है, क्योंकि इनके निजी प्रश्न हैं, तो किसी के भी निजी प्रश्नों को, इनके प्रश्नों को बिलर करना। जी बोलो, हम बोलेंगे नहीं माइक से। बोलो आप। हमने ऐसा लिखा, हम माइक से बोलें कि बिना माइक से? ये चूंकि पॉलिटिक्स में है रायपुर में, राजनीति में, इसलिए इनकी बातें माइक से ना करके पढ़ लीजिए। माइक से बोल दीजिए। 100% यही कोई सवाल लेके आई थी और शायद कुछ भूल जाऊंगी इसलिए लिख के भी लाई थी, वो गुरुजी ने वही वही बताया है। साधु जी नस की दिक्कत बनी है जी, जी वो तो दिखाई ही दे रही है, सर्वाइकल हो रहा है, ठीक होगा, उठो।